जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है। मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने गरीब शोषित वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। और मैं आशा और विश्वास दिलाती हूं कि जो भी दायित्व तो मुझे पार्टी देगी मैं उसे पूरा करने का काम करूंगी, जो विश्वास मुझ पर जताया गया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और यह भी कहती हूं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सभी काम करने का प्रयास करूंगी। मैं शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ जनों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। और मैं यकीन दिलाती हूं कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है, जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे पूरा करने में मैं अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा सीमा कुशवाहा जी से कि आप 2 शब्द रखें। सबसे पहले मंच पर आसीन आदरणीय विनोद तावड़े सर, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुझे सदस्य बनाने के लिए, इस मोदी परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। साथ में ही मंच पर आसीन आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आपका सर बहुत बहुत आभार अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए। साथ में ही मंच पर आसीन आदरणीय भूपेंद्र चौधरी सर, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, आपका सर बहुत बहुत आभार। और बीजेपी के यहाँ पर जितने भी प्रवक्तागण बैठे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। और साथ में ही राज्यसभा सांसद आदरणीय मिथिलेश कठेरिया जी का बहुत बहुत आभार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस मोदी परिवार का हिस्सा बनी हूँ जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपना एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें हमने पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं इस पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई हूँ और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके मैं देने की कोशिश करूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस 9 वर्षों के कार्यकाल में महिलाएं जितनी सशक्त हुई हैं ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और इसीलिए उनके कार्यों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि इस परिवार का सदस्य बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार कि इस परिवार का मैं सदस्य बनी, उत्तर प्रदेश राज्य के आदरणीय शीर्ष नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत आभार और इस भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता का, सभी हमारे महानुभवों का, सभी हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी के बाद, जो कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है, उनको संसद में उनका 33% जो रिजर्वेशन था वो नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को रिजर्वेशन देकर के सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं को स्वाभिमान से जीना सिखाया है।
और भारतीय जनता पार्टी जो भी महिलाओं के लिए काम कर रही है उसमें इस बेटी सीमा कुशवाहा का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मैं करूंगी। आप सभी लोगों का, मेरे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। इस परिवार का हिस्सा बन के, मोदी परिवार का हिस्सा बन के आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है।